हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं या फिर आईटीआर पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं अपने आईटीआर को फिल करने के लिए, तो दोस्तों उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको रेगुलरली आपके जो इनकम टैक्स पोर्टल का जो पासवर्ड है लॉगिन करने के लिए, वो आपको जो है रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं इनकम टैक्स पोर्टल के लिए, तो वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक ब्राउज़र ओपन अप कर लेंगे। तो हम हमारी स्क्रीन के ऊपर हैं यहाँ पर, और हम यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन अप कर लेते हैं। इसके बाद हम टाइप करेंगे ITR लॉगिन और इसे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद दो सबसे पहली वेबसाइट है हमारे सामने eportal.incometax.gov.in, इसे हम यहाँ से ओपन अप कर लेंगे। ओपन अप करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो ओपन अप हो जाएगा और आपको यहाँ से लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड या किसी दूसरी यूज़र आईडी जिससे आपने अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट की थी, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना पैन नंबर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर डाल लिया है। इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका जो सिक्योर मैसेज है उसको टिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड डाल लेते हैं। तो हमने अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल लिया दोस्तों। अब इसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ से हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अकाउंट के अंदर लॉगिन कर चुके हैं, और यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको अपना पासवर्ड अगर यहाँ से चेंज करना है या अपडेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया पेज ओपन अप हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करने के लिए शो कर देगा, और इसके अलावा काफ़ी सारी डिटेल्स भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको अपना पासवर्ड किस तरीके से चेंज करना है। तो आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे ही आपको कहीं पे भी या किसी भी वेबसाइट के लिए या किसी भी लॉगिन आईडी के लिए जब अपना पासवर्ड आप चेंज करते हैं, तो वही प्रोसेस यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको अपना करंट पासवर्ड डालना है, यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालना है, और जो न्यू पासवर्ड आपने अपना बनाया है उसको आपको कन्फर्म पासवर्ड में कन्फर्म करना है। तो चलिए ये तीनों डिटेल्स फिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना करंट पासवर्ड है दोस्तों, वो एंटर कर लेते हैं। करंट पासवर्ड हमने डाल लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड डाल लेते हैं। तो न्यू पासवर्ड डालने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको कुछ क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल करना होगा, यानी कि आपका जो पासवर्ड है वो 8-14 करेक्टर्स का होना चाहिए। एक नंबर एटलीस्ट उसमें होना ज़रूरी है, एक अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके अलावा एक स्पेशल करेक्टर भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जो कि हमारे करंट पासवर्ड यानी कि ओल्ड पासवर्ड में भी था। तो यहाँ पर हम फिर से जो है एक नया पासवर्ड बना लेते हैं, और उसके बाद जैसे आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल कर देंगे तो यहाँ पर आपको सक्सेस का मैसेज आएगा। अगर आप यहाँ पे ये सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करेंगे तो सक्सेस का मैसेज नहीं आएगा, आपको फिर से यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो चेंज करना होगा इस क्राइटेरिया के बेसिस पे। अब इसके बाद हम यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड कर लेते हैं, यानी कि जो पासवर्ड अभी हमने डाला है उसी पासवर्ड को हम यहाँ पर फिर से डाल लेते हैं। देखिए पासवर्ड हमारे दोनों मैच हो गए हैं। अब सिंपली हम जो है सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए जैसे सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपका पासवर्ड यहाँ से अपडेट हो चुका है दोस्तों। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी लॉगिन करेंगे तो अपना नया पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने ITR पोर्टल के जो अकाउंट है उसका पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको जैसे ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको अपने ITR अकाउंट का जो पासवर्ड है वो रेगुलरली चेंज करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके इनकम टैक्स और आपकी जितनी भी इनकम है उसकी डिटेल से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आपको काफ़ी बार रिफंड भी मिलता है, तो वो सारी डिटेल्स आपको सेफ रखनी है, तो उसके लिए आप अपने पासवर्ड को यहाँ से रेगुलरली चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए बेनिफिशियल होगा तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।